पेट में गैस रहती है, चटनी भी खाते हैं आपके बताते हो, लेकिन फिर भी गैस रहती है। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, ये देखो ये खाना है, ये खाना जब सामने आता है हमारी आंखें खाने को देखती हैं और इस खाने को देख के वो ब्रेन को इसका इमेज देती हैं। ये गैस की होती है इसको समझ लो, ये तजाबियत की होती है इसको समझ लो। ये खाना सामने आया, आपकी आंखों ने खाने को देखा और उसने ब्रेन को मैसेज किया। अब ब्रेन ने उस इमेज को लिया और उसको देख के, जो ब्रेन है वो खाने को देख के उसकी तस्वीरों में जो जो पड़ा होता है उसको देख के वो सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ये खाना सामने आया और हमें खाने को देखने के बावजूद हमारी फिक्र ये थी कि अभी मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आंखों ने खाने को देख के उसकी इमेज ली, उसने ब्रेन को दी, और ब्रेन कहाँ मसरूफ है, कहाँ अंगेज है, दूसरे कामों में। तो जब वो दूसरे कामों में अंगेज होगा तो जो ब्रेन को आंखों ने पिक्चर दी होगी क्या उसको वो मिलेगी? जब उसको तस्वीर ही नहीं मिलेगी तो उसको हजम करने के लिए सेक्रीशन बनाएगा, जब वो सेक्रीशन ही नहीं बनाएगा तो वो खाना आपके अंदर जाके सड़ेगा, जब वो सड़ेगा तो उससे गैस पैदा होगी, उससे गैस पैदा होगी। इसका हल क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया लाइन शकर तुम लाजी दन्ना कुम, अगर तुम शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। शुक्र करना क्या होता है? शुक्र करना होता है तारीफ करना। शुक्र करना क्या होता है? तारीफ करना। इसको साइंटिफिकली समझो, ये था खाना, अब इसकी तारीफ क्या थी? मसलन ये मटन है, आप कहते हैं मटन कितना अच्छा बना है, मटन का जायका कितना अच्छा है, मटन की खुशबू कितनी अच्छी है, मटन का रंग कितना अच्छा है। जब आप मटन 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 कहोगे, साइंस कहती है ये ब्रेन वर्ड्स को नहीं सोचता, जो बोलते उसके इमेज को सोचता है। तो जब आपने मटन 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 कहना था तो आपके ब्रेन को पिक्चर किसकी मिलनी थी? मटन की। तो जब उसको मटन की पिक्चर मिलनी थी तो उसने उसको हजम करने के लिए खाना सेक्रीशन प्रोड्यूस कर देनी थी, जब वो सेक्रीशन प्रोड्यूस हो जानी थी उस खाने को हजम हो जाना था, जब उसने हजम हो जाना था तो गैस ने पैदा नहीं होना था। यानी दूसरे लफ्जों में जब खाना सामने आए तो कोई और बात सोचनी, कहीं और ध्यान ले जाना नहीं है, उस खाने की तारीफ करनी है। जब उस खाने की तारीफ करोगे तो ये खाने को अल्लाह ताला बढ़ा देगा। बस इसी वजह से तो बीमारी है जी।